सर आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह हूँ। मैं बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हूँ। अब डेंगू का जहाँ तक सवाल है, बरौली प्रखंड के PHC में इस वर्ष अभी तक कोई भी मरीज नहीं आया है। हाँ, बरौली प्रखंड के रहने वाले लोग, 3 लोग जो कि पटना में रहते थे, उन्होंने PMCH में इलाज कराया है डेंगू के लिए, उनका रिपोर्ट यहाँ पर आया है। इसलिए डेंगू कोई महामारी का रूप बरौली प्रखंड में ली है, इस तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। जनता को यह बताना जरूरी है कि डेंगू बीमारी जो है वह एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। यह मच्छर दिन में भी काटता है। अतः लोगों को चाहिए कि बचाव हेतु पूरी आस्तीन के कमीज पहने, रोगियों को अधिक से अधिक पानी और पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं हो। अगर 1 मिनट में 20 ml डेंगू के मरीज को पेशाब, 1 घंटे के अंदर 20 cc पेशाब की मात्रा बन रही है, तो डेंगू का मरीज खतरे से बाहर है। हमारे प्रखंड में डेंगू के जांच और इलाज के लिए सारा प्रबंध है। इसके साथ रोगियों को